बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मी मिस राबिया हियर विद द सॉल्वड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 लाइट एंड एयर। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, टेक द करेक्ट आंसर। हाउ डज लाइट ट्रेवल इन एयर? रोशनी हवा में कैसे सफ़र करती है? ए इन अ सर्कल, बी अलोंग कर्व्ड पाथ, सी अलोंग स्ट्रेट लाइन, डी इन डिस्पर्स्ड पाथ। करेक्ट ऑप्शन इज सी, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। नंबर 2, विच ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स मैक्सिमम लाइट? कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट करता है? ए वाइट पेपर, बी कलर्ड पेपर, सी मिरर, डी ब्रिक वॉल। करेक्ट ऑप्शन इज सी मिरर। नंबर 3, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन ए अ मेटल वायर, बी एयर, सी वाटर, डी वैक्यूम। करेक्ट ऑप्शन इज ए अ मेटल वायर। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज कॉल्ड नॉइज? ए साउंड ऑफ अ फ्लूट, बी रस्टलिंग ऑफ लीव्स, सी प्रेशर हॉर्न, डी चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। करेक्ट ऑप्शन इज सी प्रेशर हॉर्न। नंबर 5, व्हेन वाटर कम्स इन द वे ऑफ साउंड ट्रेवलिंग थ्रू एयर, ए साउंड विल स्टॉप, बी साउंड विल स्लो डाउन, सी साउंड विल बिकम फास्ट, डी नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। करेक्ट ऑप्शन इज सी साउंड विल बिकम फास्ट। नाउ क्वेश्चन 2, राइट शॉर्ट आंसर्स। व्हाट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? राइट द नेम ऑफ 3 ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। कि शफाफ शय क्या होती है? 3 शफाफ अशिया के नाम बताएं। आंसर इज द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास completely are called transparent objects. We can see clearly across them, for example, air, glasses and water. Question 2, when is your shadow the shorter and the longest in the sunlight? कि सूरज की रोशनी में आपका साया सबसे छोटा और सबसे बड़ा कब होता है? Answer is when object is nearer to the source of light, its shadow is bigger. When an object is a greater distance from the source of light, its shadow becomes smaller. कि जब किसी शय का फासला रोशनी के माखज से कम होता है, यानी रोशनी के माखज से करीब होती है जब कोई चीज़, तो उसका साया बड़ा हो जाता है। और जब किसी शय का फासला माखज से ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा फासले पर होता है, तो उसका साया छोटा हो जाता है। क्वेश्चन 3, द मून इज नॉन ल्यूमिनस लाइक अवर अर्थ। हाउ डज इट लुक ल्यूमिनस टू अस? कि चांद हमारी ज़मीन की तरह गैर रोशन जिस्म है, लेकिन ये हमें रोशन कैसे दिखाई देता है? आंसर इज द मून इज नॉन ल्यूमिनस लाइक अवर अर्थ बट इट लुक्स ब्राइटर बिकॉज ऑफ सनलाइट। When sunlight falls on the moon, so the moon reflects this light that makes the moon look bright. कि चांद हमारी ज़मीन की तरह गैर रोशन है, लेकिन ये सूरज की रोशनी की वजह से रोशन नज़र आता है। सूरज की रोशनी जब चांद पर पड़ती है तो चांद इस रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से चांद रोशन नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Can you be a winner while running with your shadow? Give the reason also. क्या आप अपने साए के साथ दौड़ में जीत सकते हैं? वजह भी बताएं। No, we cannot be the winner while running with our shadow. Because the shadow of anything is always attached to it. Similarly, our shadow is also attached to our body. Our shadow will stay with us as fast as we want.
जी नहीं, हम अपने साए के साथ दौड़ में नहीं जीत सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ का साया उसके साथ हमेशा जुड़ा रहता है, और इसी तरह हमारा साया भी हमारे जिस्म के साथ जुड़ा रहता है। हम जितना मर्जी तेज़ दौड़ लें, हमारा साया हमारे साथ ही रहेगा। क्वेश्चन 5, व्हेन अ ट्रेन इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, विल द इंटेंसिटी ऑफ इट्स साउंड इंक्रीजेस और डिक्रीज। रेलगाड़ी जब आपसे दूर जा रही हो तो उसकी आवाज़ की शिद्दत कम होती जाएगी या वैसे ही रहेगी? आंसर इज, इफ वी मूव अवे फ्रॉम द ट्रेन, द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रेन विल इंक्रीज। इन द सेम वे द इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल डिक्रीज, कि हम रेलगाड़ी से दूर होते जाएंगे तो रेलगाड़ी से फासला बढ़ता जाएगा और इस फासले की वजह से आवाज़ की शिद्दत भी कम हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन 3, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। 1, ईयर्स आर रेस्ड इज अ फ्रेज इन उर्दू। द ईयर्स ऑफ सम एनिमल्स सच एज हेयर एंड रैट आर एक्चुअली रेस्ड अप, व्हेन एंड व्हाई। उर्दू में एक मुहावरा है कान खड़े होना, लेकिन बाज़ जानवर मसलन खरगोश और चूहे के कान वाकई खड़े हो जाते हैं, कब और कैसे? आंसर इज, हेयर एंड रैट लिव इन अ डेजर्ट वेयर दे आर एक्सपोज टू एक्सट्रीमली हॉट डे टाइम टेम्परेचर, बट दीज एनिमल आर एबल टू स्टे कूल बाय रिलीजिंग एक्सेस हीट फ्रॉम देयर ओवरसाइज्ड एंड रेज्ड ईयर्स। कि खरगोश और चूहे सहरा में रहते हैं जहाँ दिन के वक्त इन्हें इंतहाई गर्म दर्जा हरारत का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये जानवर अपने बड़े और खड़े कानों की वजह से दर्जा हरारत को खारिज करते हैं और ठंडा रहने में कामयाब रहते हैं। 2, वुड एंड चारकोल आर नेचुरली नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, कैन दे बी मेड ल्यूमिनस, हाउ? कि कोयला और लकड़ी आम हालत में गैर रोशन अजसाम हैं, क्या इन्हें रोशन अजसाम बनाया जा सकता है? अगर बनाया जा सकता है तो कैसे? आंसर इज, द वुड एंड चारकोल आर नेचुरली नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, व्हेन वी बर्न इट देन दे बिकम ल्यूमिनस। कि कोयला और लकड़ी आम हालत में गैर रोशन है, लेकिन जब इन्हें जलाया जाता है तो ये रोशन हो जाते हैं। क्वेश्चन 3, हाउ कैन यू कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम लाइटनिंग? कि बिजली की कड़क से आप रोशनी और आवाज़ की स्पीड का मुआजना कैसे करेंगे? आंसर इज, लाइटनिंग स्ट्राइक्स, लाइटनिंग अपीयर्स फर्स्ट while the sound of lightning is heard a few moments later, therefore the speed of light is more as compared to the speed of sound। कि जब बिजली कड़कती है तो बिजली की रोशनी पहले दिखाई देती है, जबकि बिजली की आवाज़ जो है वो कुछ लम्हे बाद सुनाई देती है, लिहाजा रोशनी की स्पीड आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा है। क्वेश्चन 4, मार्क टिक फॉर प्लेजेंट साउंड्स एंड मार्क क्रॉस फॉर अनप्लेजेंट साउंड्स इन द गिवन पिक्चर्स। द जज़ेल तस्वीर में दिए गए खानों में खुशगवार आवाज़ के लिए आपने टिक का निशान लगाना है और ना खुशगवार आवाज़ के लिए आपने क्रॉस का निशान लगाना है। ओके, फर्स्ट वन इज चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, मार्क इट टिक। नेक्स्ट इज लाइटनिंग, मार्क इट क्रॉस। थर्ड वन इज म्यूजिक, साउंड ऑफ म्यूजिक, मार्क इट टिक। नाउ लाउड स्पीकर, मार्क इट क्रॉस। नेक्स्ट अ लेडी इज स्पीकिंग, मार्क इट टिक। एंड द लास्ट, इन द लास्ट ब्लॉक यू हैव टू क्रॉस। क्वेश्चन 4, इन्वेस्टिगेट, तहकीक करें। हैव यू सीन द ईयर्स ऑफ फ्रॉग, लूकस्ट एंड फिश,
हाउ डू दीज एनिमल्स बियर साउंड्स, क्या आपने मेंढक, टिड्डे और मछली के कान देखे हैं? ये जानवर आवाज़ें कैसे सुनते हैं? आंसर इज फ्रॉग, लूकस्ट एंड फिश डू नॉट हैव ईयर्स बट देयर स्किन इज वेरी सेंसिटिव विच वाइब्रेट्स विद द साउंड वेव्स एंड दे फील साउंड। मेंढक, टिड्डे और मछली के कान नहीं होते मगर इनकी जिल्द बहुत ही सेंसिटिव होती है जो आवाज़ की लहरों से वाइब्रेट होती है और आवाज़ को महसूस करती है। टू, बाई यूजिंग टॉर्च फाइंड आउट हाउ मच लाइट पासिस फ्राम दी ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। टॉर्च के ज़रिए मालूम करें कि दज़ेल अशिया से कितनी रोशनी गुजरती है। आंसर इज फर्स्ट वन विंडो पैन, शीशे की खिड़की, कम्प्लीटली, इसमें से रोशनी कम्प्लीटली गुजरेगी, पास होगी, सो मार्क टेक इन कम्प्लीटली। नंबर टू वैक्स पेपर, मोमी कागज़, पार्शली, मार्क टेक इन पार्शली। नंबर थ्री वाइट थिन क्लॉथ, सफ़ेद बारीक कपड़ा, पार्शली। नंबर फोर ज्योमेट्री बॉक्स, डू नॉट पास एट ऑल। नंबर फाइव काइट पेपर, गुड्डी कागज़, पार्शली। नंबर सिक्स टिश्यू पेपर, पार्शली। नंबर सेवन वुडन डोर, डू नॉट पास एट ऑल। नंबर एट क्लीन वाटर, कम्प्लीटली। नंबर नाइन कार्डबोर्ड, डू नॉट पास एट ऑल। नाउ प्रोजेक्ट, मेक अ पिन होल कैमरा बाई यूजिंग कार्डबोर्ड बॉक्स, वैक्स पेपर और टिश्यू पेपर। ऑब्जर्व द इमेज फॉर्म्ड बाय इट, ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ लाइट डज इट वर्क, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स इमेज। जी, आपका प्रोजेक्ट क्या है कि गत्ते के डब्बे और मोमी कागज़ और टिश्यू को इस्तेमाल करते हुए एक आपने पिन होल कैमरा बनाना है, ठीक है। इसमें बनने वाले अक्स का फिर मुशाहिदा करना है कि ये रोशनी के किस असूल के तहत काम करता है और अक्स की खसूसियात भी आपने बयान करनी है। तो ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है, ये आपने परफॉर्म करना है, फिर इसके बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूजिंग अ वुडन बोर्ड, आयरन नेल्स, थिन स्टील वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स एंड अ हैमर। ऑन विच प्रिंसिपल डज दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क, ऑब्जर्व ऑल्सो द इंटेंसिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इट। क्या है कि लकड़ी का बोर्ड, लोहे की कीलें, स्टील की बारीक मुख्तलिफ लंबाई की तारें और हथौड़े की मदद से एक सादा सा मौसीकी का आला बनाना है और ये आला किस असूल के तहत काम करता है, पैदा होने वाली आवाज़ की शिद्दत का भी मुशाहिदा करना है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल वर्क को भी आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। फिर इसके बारे में अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा, टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।